जय श्री कृष्णा। आज हम गीता गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा दसवीं का विषय है सामाजिक ज्ञान अध्याय 7वां राज्य सरकार, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि राज्य सरकार के कौन कौन से कार्य हैं और राज्य सरकार क्या क्या है जो कार्य करती हैं, कितने उसमें सदन होते हैं, कौन सा उसमें विधानमंडल और विधान परिषद होता है, जिसमें एक विधानमंडल में एक विधान परिषद और एक विधानसभा होते हैं, दोनों के गठन और संरचना हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमने पढ़ा था कि विधान परिषद के क्या क्या कार्य होते हैं और विधानमंडल के इसके विधानसभा के क्या क्या कार्य हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका का गठन कैसे होता है। तो राज्यपालिका के गठन का जो सीधा भाग है उसमें एक राज्यपाल होता है और एक मंत्रिपरिषद होती है, एक राज्य मंत्री परिषद होती है और एक राज्यपाल के गठन से राज्य कार्यपालिका का निर्माण होता है। वास्तविक प्रधान तो राज्यपाल होता है, संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रधान तो राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रधान जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। और मंत्री परिषद का हेड होता है, उसमें मुख्यमंत्री होता है, जो मुखिया होता है या प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। फिर होते हैं कैबिनेट मंत्री, फिर होते हैं राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र, स्वतंत्र और फिर होते हैं उप मंत्री, उप मंत्री। वर्तमान में उप मंत्रियों का चलन है ही नहीं। अब देखो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होते हैं। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। यहाँ भी संसदात्मक व्यवस्था को ही अपनाया गया है। क्या है? संसदात्मक व्यवस्था को ही अपनाया गया है। और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। कैसा होता है? संवैधानिक या वैधानिक। क्या? वैधानिक प्रधान होता है। जबकि मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद और राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति का प्रधान होता है। अब राज्यपाल के बारे में हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल क्या है और किस तरह से इसकी नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। और ये प्रसाद पर्यंत है। क्या है? प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो राज्यपाल के पद के लिए हो जाएगा। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है। क्या है? अवधि है वो 5 वर्ष है। क्या है? 5 वर्ष तक के लिए नियुक्ति होती है, लेकिन वो अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक बना रहता है। और वो बना कब तक रहेगा? उत्तराधिकारी अधिकारी के पद ग्रहण, यानी जब तक दूसरा राज्यपाल नहीं आएगा तब तक वो राज्यपाल बना रहेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भी किया जा सकता है उसका, और राज्यपाल चाहे तो समय से पूर्व अपना त्याग पत्र भी दे सकता है, और एक जगह से दूसरे जगह पर भी उसका स्थानांतरण किया जाता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में क्या स्वस्थ परंपरा है? क्या है? नियुक्ति के संबंध में, स्वस्थ परंपरा, क्या क्या है स्वस्थ परंपरा वो अभी देखते हैं। कि नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान लागू होने के बाद तक अब तक कुछ परंपराओं का निर्वाह किया गया है, जिसमें पहला है कि उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। उस राज्य का जहां नियुक्त है, नियुक्त
राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर जिस राज्य में वो उसकी नियुक्ति हो रही है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। और दूसरी है कि जिस राज्य में नियुक्ति हो वहां के मुख्यमंत्री से परामर्श, जहां नियुक्ति हो उसे परामर्श या सहमति दोनों हो सकती है, हालांकि इसका पालन हो या न हो ऐसी जरूरी नहीं है। अब उसकी पद और योग्यताएं क्या क्या है, पद के लिए योग्यताएं क्या क्या है, तो योग्यता के संबंध में वही कि भारत का निवासी हो, भारत का नागरिक हो, संसद के सदन दूसरी में आयु क्या लिखो, आयु में कि दूसरी में 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो विधान मंडल का सदस्य न हो, लाभ के पद पर नहीं, लाभ के पद पर न हो, ये उनकी नियुक्ति के संबंध में। वेतन भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित, जिसमें वर्तमान में आपकी पुस्तक के अनुसार 110,000 है लेकिन अभी इससे ज्यादा है वो, और निशुल्क निवास मिलता है और सरकारी सुविधाएं और संसद के कानून जो भी उनके लिए निर्धारित करें वह है। अब राज्यपाल की शक्तियां पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्ति, तो पहली शक्ति इन्होंने दी है वो है कार्यपालिका के संबंध। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होती हैं, वह सारे पदाधिकारी जो राज्य के हैं वो उसके अधीन होता है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है, राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्य से संबंधित परामर्श, राज्य सूची में उल्लेखित विषय, समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह अपने अधिकारों का प्रयोग करता है और नियमों का निर्माण करता है, वह मंत्रियों के बीच मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य का विभाजन करता है और उसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, और वो मुख्यमंत्री से किसी मंत्री से व्यक्तिगत निर्णय से को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कर सकता है,
राज्यपाल जो राज्य मंत्री परिषद होती है उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, उसका त्याग पत्र स्वीकार करता है और उन्हें मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी करता है। और दूसरी है वो है विदर्भ, विधायी शक्ति में यह है कि राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अभिन्न अंग होता है और विधायी क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्ति है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, सत्रावसन करता है। व्यवस्थापिका का राज्य व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना और भी करता है। और व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग भी कर सकता है और विधानसभा के चुनाव के बाद पहली बैठक को संबोधित करता है, उसके बाद विधानमंडल को संदेश भेजता है। और जो राज्य विधायक सभा द्वारा जो विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है वो विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकता है, उसे पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को लौटा सकता है। विधानमंडल दूसरी बात अगर कोई विधेयक पारित कर दे तो वो उसको स्वीकृति देनी होगी है। उच्च विषयों के विधेयकों को वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगर राज्य विधानमंडल का अधिवेशन न हो तो राज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? अध्यादेश भी जारी कर सकता है जो 6 माह के लिए लागू रहेंगे राज्य की कानून की तरह, और 6 माह बाद वह उसको लागू भी कर सकता है। यदि 6 सप्ताह पूर्व ही विधानमंडल इसे दिए हुए इसको अस्वीकृत कर दे तो अध्यादेश को उसी समय समाप्त समझा जाएगा। कुछ विषयों पर वो राष्ट्रपति की स्वीकृति भी लेता है और कई जगह पर जहां राज्य का दूसरा सदन मौजूद है वहां 1/6 भी है जो उसको सदस्यों की नियुक्ति करता है। तीसरा है वित्तीय शक्ति में वो क्या करता है कि राज्य का जो बजट है उसको वो अनुमोदित करता है। न्यायिक शक्तियों में न्यायिक शक्ति भी उससे होती है जिसमें वो संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत जिन विषय अनुच्छेद 161 के तहत विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषय संबंधी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड को वो कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है और बदल भी सकता है और उन्हें समाधान और वो राज्य का लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और आय व्यय से संबंधित लेखा महापरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त करता है उन्हें विधानमंडल के समक्ष, और उनकी उपयुक्त के अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। अब है राज्य की पाल की स्थिति। तो संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुच्छेद 163 के अनुसार के तहत जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह उनके कार्यों को स्वविवेक से करें, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य या प्रधान मुख्यमंत्री होगा। वर्तमान समय में नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को ही हर प्रकार की विवेक समझ शक्तियां प्राप्त हैं। यदि
यद्यपि संविधान ने राज्यपाल को स्वविवेक शक्तियों प्रदान नहीं किए हैं और संसदात्मक शासन की परंपरा के अनुसार उसे यह आशा की जाती है कि वह संवैधानिक प्रधान के रूप में ही कार्य करें, लेकिन कुछ अवसर ऐसे भी आते हैं जहां आ सकते हैं जब वह अपने विवेक का प्रयोग करें। ऐसे अवसर निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन, मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना या सत्रावसान करना, विधानसभा का विघटन करना, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में रिपोर्ट भेजना और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर पुनर्विचार हेतु उठाना या किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना। इन सब बातों से स्पष्ट है कि यदि भी राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है, वह ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन को महत्वपूर्ण रूप में भाग ले सकता है। कल हम पढ़ेंगे राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका है उसके संबंध में कार्य है जो इसके संबंध में है, तो वो है दो, तो उनके बारे में हम दो के रूप में कार्य कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।